Now we will start exercise three C of Chapter Third Compound Interest Using Formula from Salina Concise.

प्रिंसिपल तो रुपीज में ही आएगा टाइम जो ईयर में होगा ना उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाफ ईयर हो जाएंगे मतलब जब भी उन्होंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला होगा एट दैट टाइम जो टाइम है वो टी इन टू टू हो जाएगा और जो रेट है रेट परसेंट पर एन में दिया होगा जितना भी रेट परसेंट में दिया होगा उसको डिवाइड बाय टू करेंगे और यहाँ पे सेमी एनुअली या हाफ ईयरली हो जाएगा बात बेटा टाइम को पहले अगर डेज में दिया है तो पहले ईयर में चेंज करेंगे फिर ईयर से टू मल्टीप्लाई करके हो जाएगा रेट वही सेम परसेंट पर एन में दिया है तो उसको अपॉन टू करना याद रहेगा ये कि टाइम इज मल्टीप्लाई बाय टू एंड रेट इज डिवाइड बाय टू देखो टाइम टू से क्यों मल्टीप्लाई किया

टू हाफ ईयर होंगे ठीक है yes. दो सौ सिक्स मंथ का एक हाफ ईयर होता है तो सिक्स सिक्स ट्वेल्व मंथ दैट इज टू हाफ ईयर टू ईयर में कितने होंगे लोग बंधु सर सर टू ईयर में सर फोर हाँ तब जब मैंने तेरे को ये फॉर्मूला ही बता दिया यार तो क्यों कंफ्यूज होता है टाइम वन इंटू टू टू हाफ ईयर हो जाता ना ओके सर थ्री ईयर होंगे तो थ्री इंटू टू रेट देखो रेट पर एनएम का दिया होता है मतलब पूरे वन ईयर का दिया होता है उसको हाफ टू से डिवाइड कर देंगे तो सिक्स मंथ का रेट आएगा ना मतलब टाइम को टू से मल्टीप्लाई और रेट को टू से डिवाइड और दूसरा ये था सेमी एनुअली बोला हो या हाफ ईयरली बोला हो एक ही चीज के दो नाम है सर्थ... और दूसरा आगे बेटा हां जी सर सेमी में तो वन बाय फोर होगा और वो फोर से इंटू होगा लोग बंधु सेमी का मतलब हाफ होता है बेटा सर बुक में सर बोल लिखा है सर वन बाय फोर और फोर कहा लिखा है फोर दिखा कौन से पेज पे लिखा है बता हाँ सर कहा लिखा है? बताओ सेमी पे ओल्ड है सर ओल्ड है ओल्ड में मटेरियल सेम है थ्री पॉइंट फाइव टॉपिक है तेरा ये बोल रहा है तू तो? सर इसके नीचे इसके नीचे लिखा है सर यही हाँ सर तो यहाँ पे भी तो देख तो ले ले बेटा सर वही बताऊँ सर एन सर वही फोर से सर इंटू करेंगे और सर फोर से डिवाइड करेंगे ये क्या लिखा है सेमी मतलब तो... ये क्या लिखा है सर क्वार्टरली फिर क्वार्टरली okay. के लिए ये फॉर्मूला okay. है और सेमी एनुअल के लिए ये है ओके सर टू नीचे टू ओके okay, सर है समझ यस yes, सर और क्वार्टरली yes, बेटा क्वार्टरली का मतलब होता है वन फोर्थ क्वार्टर दैट इज अ अथ अभी जैसे मान लो दो बज के पंद्रह मिनट हुए फिफ्टीन मिनट हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं टाइम इंग्लिश की लैंग्वेज में क्वार्टर पास्ट टू ये बोलते हैं ना यस यस सर और मान yes. लो वन फोर्टी फाइव हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे इसका क्वार्टर टू टू क्वार्टर टू टू यस बिल्कुल सही तो क्वार्टर का मतलब एक घड़ी फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो जाती है ये एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट वैसे ही क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ तो यहाँ पे पौरुष एक क्वार्टर कितने मंथ का हुआ सर सर एक क्वार्टर कितने मंथ्स का हुआ सर हाँ, हाँ. oh, थ्री मंथ्स का यस थ्री मंथ्स का बेटा जैसे हाफ ईयर सिक्स मंथ का होता है ना वैसे ही क्वार्टर कितने मंथ का होता है थ्री मंथ का होता है अंडरस्टूड यस सर तो यहाँ पे क्वार्टरली के टाइम जो अमाउंट मतलब अमाउंट को बोल गया प्रिंसिपल तो वही रहेगा टाइम जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली था तो टू से मल्टीप्लाई किया था ना इसमें टाइम को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे बट कंडीशन इज दैट टाइम इज इन ईयर इसके लिए भी यही कंडीशन है कि टाइम ईयर में होना चाहिए और क्वार्टरली के लिए भी टाइम ईयर में होना चाहिए तभी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मान लो उन्होंने दे दिया सिक्स मंथ सिक्स मंथ के कितने क्वार्टर बनेंगे यस मतलब हम पता है क्या करेंगे उस टाइम सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड करके पहले ईयर में चेंज कर दिया इन टू फोर कट जाएगा तो टू आ जाएगा इस टाइम से करेंगे अगर मंथ में दिया है तो अगर डेज में दिया है तो थ्री सिक्सटी फाइव से पहले डिवाइड करेंगे ईयर में चेंज होगा फिर इंटू फोर करेंगे और रेट वही सेम जैसे हाफ ईयरली में टू से डिवाइड किया था इसमें फोर से डिवाइड करेंगे और साथ में यरली लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्वार्टरली लिखना पड़ेगा और यहां पे भी टाइम में जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वार्टर लिखना पड़ेगा हमें आया समझ तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एम सी क्यूज क्या आ जाते हैं एम सी क्यूज चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो

ये एक चीज नहीं सीख लो सही है विदाउट तो हो सकता है वो यार नहीं विदाउट नहीं करना ना ओके okay. तो इसका एक फॉर्मूला अलग से लर्न कर लो बेटा मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक एग्जांपल ले रहा हूँ रुपी हंड्रेड इज द प्रिंसिपल रेट इज टेन परसेंट पर है ना टाइम इज इन फ्रैक्शन ये दे दिया और बोल दिया कंपाउंडेड एनुअली ये बोल दिया अब यहां टाइम के दो पार्ट्स हैं फोर ऐसे है ना मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट है ना ये क्या है इंटीग्रल पार्ट और ये क्या है रैशनल पार्ट समझे तो उस टाइम फॉर्मूला में क्या करना है अमाउंट के फॉर्मुला में मैं कंपाउंड के इंटरेस्ट का नहीं बोल रहा मैं सिर्फ किसका बोल रहा हूँ अमाउंट का कामुला पी बाहर आएगा ही आएगा वन प्लस हंड्रेड एक न्यू ब्रैकेट में मतलब फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ कि कैसे लगाना है ऐसे लिख देंगे दो ब्रैकेट्स में जब भी टाइम फ्रैक्शन में होगा और कंपाउंडेड एनुअली बोला है उस टाइम ये लगेगा अब पहले इंटीग्रल पार्ट कितना है थी, थी 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 ये। था। पहली ब्रैकेट के ऊपर पावर थ्री आ जाएगी दूसरे में रैशनल पार्ट कितना है बार्ट 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 वो यहां पे रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं समझ आ गया पीछे और पावर वन लगा देंगे okay, फिर से देख लो मैं और एग्जाम्पल लेता हूं मतलब तो टाइम के, के लिए। वाले से ही हो ले चलो टाइम मैंने ले लिया थ्री फाइव बाई लिया। अब बता। अब कैसे होगा पर बच्चे एक चीज और सुन ले। उन्होंने मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूं पौरुष

मल्टीप्लाई बीच में प्लस मत डाल देना इंटीग्रल पार्ट कितना है 3 3 3 पावर 3 रैशनल पार्ट कितना है पावर 1 समझ गए यस सर समझ आया बेटा ऑल ऑफ यू यस सर यस मैंने दो एग्जाम्पल तभी ली है ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने यही बोला है टाइम ना इन्होंने वन एंड हाफ ईयर दे दिया पर इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये माइनस पी कर देंगे समझे या पी कॉमन लेके वन लिख देंगे समझे yes, 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 तो यहां देखिए बेटा के लिए निकालना है क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला माइनस वन होगा या माइनस पी होगा यही होगा ना यस सर टाइम हाफ इयर है सिर्फ अमाउंट बताओ बच्चे क्या आएगी यस सर अमाउंट का फॉर्मूला बता सर टाइम के रिकॉर्ड सर पी इंटू वन प्लस पावर वन नेक्स्ट से वन प्लस तो टू हंड्रेड हो जाएगा ना नीचे और पावर वन yes. yes. ये अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा so, ये ऑप्शन है देखो यहाँ पे so, या पी कॉमन लेके दिया होगा या पी कॉमन लेके दिया होगा या ऐसे दिया होगा कौन सा है फ्लोरिश कौन सा है सर फोर्थ वाला फोर्थ में पावर थ्री है बेटा तेरी पावर कितनी आ रही है सेवन वन और थ्री इक्वल होते हैं नहीं सर 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 सेकेंड वाला सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन समझे यस सर ये पी कॉमन लेके लिखते तो इस टाइप से बन जाता कुछ मतलब दो, दो, दो ब्रैकेट्स नहीं अब वन ईयर के लिए वन ईयर के लिए तो सिंपल ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो तो सबको ही पता है कैसा yes, yes, क्या होगा सर यही होगा फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला यस सर टू एंड हाफ ईयर के लिए पावर टू और दूसरे में हाफ आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब टू हंड्रेड आएगा कमाउंड इंटरेस्ट निकालना है सर फोर्थ ये वाला होगा so fourth. So fourth. So fourth. मतलब ओरल क्वेश्चन थी व्हेन इंटरेस्ट is compounded हाफ इयरली बोला हो, then the formula for compound interest is given. टाइम इज टाइम वन ईयर बोला है कितने हाफ ईयर होंगे बिना केश हा सर वन ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे सर वन ईयर में टू टू हाफ ईयर और आ, रेट इन्होंने बोला नहीं है ना यार कंफ्यूज करते हैं हाँ जी रेट आर परसेंट पर मैं कितना होगा हाफ ईयरली में आर बाय टू परसेंट हो जाएगा ना हाफ ईयरली बोलो यस yes, सर तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला बताओ प्रिंसिपल वन प्लस आर आर की जगह पे आर बाई टू हो जाएगा नीचे हंड्रेड था टू हंड्रेड हो जाएगा पावर टू आ जाएगी माइनस पी तो या कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया मैंने ये ऑप्शन है हमारे पास यस सर दैट इज विच वन ऑप्शन ठीक है ये अकेला अमाउंट होता तो ये सेम सेम ही नहीं यार टू हंड्रेड है ना ये गलत होता सही है अब सेकंड पार्ट है जो इसका उसमें वन एंड हाफ ईयर बोला है टाइम तो टाइम कितना हो जाएगा टू थ्री थ्री बाई टू सर थ्री बाई टू ये और इसको हाफ ईयर में करेंगे तो इन टू हो जाएगा थ्री हाफ इयर्स आ गए आ गए थ्री हाफ इयर्स टाइम थ्री हाफ ईयर्स आ गया रेट वही आर बाई टू परसेंट पर हाफ ईयरली होगा तो अमाउंट का पहले फॉर्मूला लिख लो अगले स्टेप में वो कर देंगे पी वन प्लस माइनस पी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हाँ जी कौन सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा इसका फोर हो जाएगी पावर सेकंड करेक्ट है यस सेकंड करेक्ट है 200 है ना अच्छा सॉरी 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 टू हंड्रेड ही लिखा हुआ है वहां देखा नहीं नेक्स्ट वन टू ईयर के लिए करोगे इफ रुपीज सिक्स थाउजेंड अर्न कंपाउंड इंटरस्ट इन सिक्स मंथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इज सी पार्टी सर्ट एन समिपल रुपीज एक्स ले लो फॉर टू ईयर्स टाइम टू ईर्स है नहीं एक मिनट मैंने डी पार्ट का लिख लिया रुपीज सिक्स थाउजेंड प्रिंसिपल इज थाउजेंड कंबाउंड इंटरेस्ट हमें रुपी वन टू सिक्स जीरो दिया है इन सिक्स मंथ टाइम कितना है सिक्स मंथ मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना इसको क्या करो हाफ इयर्स कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इज बट हमने पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है हम आर परसेंट पर ईयर पर हाफ ईयरली बोला नहीं है ना बट एक चीज कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम हाफ करते हैं जरूरत ही नहीं है इसको आर ही रखो और कंबाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा ना के लिए कंबाउंड इंटरेस्ट का पी सिक्स थाउजेंड आर की वैल्यू क्या आएगी दो जीरो से जो जीरो कट कर दो तो थर्टी आर कितना आ गया सिक्स थाउजेंड अपॉन थर्टी टू हंड्रेड कुछ गड़बड़ की है यार यारेड तो किसी हालत में भी नहीं होगा ट्वेंटी हो सकता था तो यार तो कंपाउंड तो यार मैंने गलत कर दिया ना वन टू सिक्स जीरो पे वन टू सिक्स जीरो अपॉन थर्टी फोर्टी टू परसेंट फोर्टी थ्री 42 no, sorry, 42 है सॉरी 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 42% पर एनो ठीक है हो जाती है मिस्टेक कभी-कभी ये अगले वाला सम अपने आप करोगे डी वाला पार्ट ऑन ए सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर इज दिस सिंपल इंटरेस्ट टू ईयर में दिस ये दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है

भेजी नहीं हुई चलो भेज दूंगा बेटा ठीक है ओके डाटा बाय बाय